सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। ट्रक से टकराया डंपर, आग से 3 जिंदा जले। लखनऊ कानपुर हाईवे पर आगजन के पास हादसा, ट्रक के अचानक ब्रेक लगने पर टकराया डंपर। मेरठ में देर रात शहर में घुसा तेंदुआ, घनी आबादी में घरों के सामने टहलता दिखा दहशत में लोग, स्कूलों में छुट्टी। गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र से 40 मरीज फरार, मालिक और मैनेजर को पहले पीटा और फिर भागे, 20 मरीजों पर हमले की FIR। हाजी इकबाल के भाई बेटे पर एक और मुकदमा दर्ज, जमीन के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला कराने का आरोप। वाराणसी दौरे पर, काशी तमिल संगमम में होंगे शामिल, BHU के छात्रों से करेंगी बातचीत। सहारनपुर में युवक की मौत पर सस्पेंस हुआ, रात को रुकती रही लेकिन नौकरी पर जाने की बात कहकर निकला, फिर मिली लाश। जेल से रिहा हुए विधायक नाहिद हसन 10 महीने पहले नामांकन के समय सपा MLA में थे गिरफ्तार, हाईकोर्ट से मिली जमानत। आगरा में जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा, फोर्स गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, 4 लोगों की मौके पर मौत, 9 लोग घायल, शादी में जा रहा था पूरा परिवार। बलरामपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर टाली और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत, पुलिस ने रेस्क्यू कर गाड़ी में फंसे ड्राइवर को निकाला। सीएम के संभावित शाहजहांपुर दौरे की चर्चाएं तेज, निकाय चुनाव का बदल सकते हैं माहौल, अधिकारी फाइल दुरुस्त करने में जुटे। जाने में ट्रक से भिड़कर पलटा ऑटो, सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर, सिकंदर राव की ओर से जा रहा था। भदोही में चरमराई, विद्युत बिजली व्यवस्था, कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से विद्युत आपूर्ति ठप, कई घंटों से बिजली न आने से लोग परेशान। कन्नौज महोत्सव पर अव्यवस्थाओं में भड़के राज्य मंत्री असीम अरू, DM SP को पत्र भेजकर पूछा क्यों नहीं की गई लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था। चंद्रमोहन की तरह हेमा ने की अपनी पत्नी पति की मौत की प्लानिंग, 8 साल पहले RTI एक्टिविटी से रची खुद की साजिश, बेंगलुरु से प्रेमिका से हुआ था गिरफ्तार। पहचान, जल निकासी व गंदगी वार्ड की प्रमुख समस्या, आरक्षण में अब वर्तमान सभासद नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। कुशीनगर में सब्जी लदे लोडर ने बाइक को मारी टक्कर, बहन की मौत, भाई गंभीर रूप से घायल, SSC परीक्षा देने जा रहे थे गोरखपुर। ज्वेलर्स की दुकान से महिलाओं ने की चोरी, घटना CCTV में कैद, 15 ग्राम के झाले लेकर फरार। ग्रीनो की 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी आग, 50 परिवारों को सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया गया, धुएं से ब्लॉक हो गया था रास्ता। औरैया में राष्ट्रीय आविष्कार कार्यशाला का किया गया निरीक्षण, नीति आयोग ने सदस्यों से किया कहा, ये योजना सभी सरकारी विद्यालयों में होनी चाहिए। अमेठी सड़क हादसे में पुलिस के जवान की मौत, देर रात शाम निमंत्रण जाते वक्त हुआ हादसा, लखीमपुर खीरी में तैनात मृतक पुलिसकर्मी। देवरिया में पूर्व मंत्री की जिला
प्रशासन को चेतावनी, बोले सपा कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे वापस नहीं हुए तो होगा आंदोलन। लव जिहाद के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन, छिड़ेगी विहिप, विहिप बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी 31 दिसंबर तक चलाएंगे जन जागरण अभियान। प्रयागराज में भाई बहन और मां की मौत, तेज रफ्तार डंपर और बाइक सवार की हुई भिड़ंत, शादी समारोह में जा रहा था पूरा परिवार। फतेहपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार देवर गंभीर रूप से घायल, भाभी की मौके पर मौत, चालक कार लेकर फरार। सड़क हादसा, बाइक सवार पति की मौत, पत्नी घायल, बाइक जंगली जानवर से टकराई। अंबेडकर नगर में दो फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर मिष्ठान भंडार पर करते थे अवैध वसूली, फर्जी फूड इंस्पेक्टर को अकबरपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेठी में पैसा लेते समता स्टाफ नर्स का वीडियो वायरल, प्रसव के बाद तीर्थदार से पैसा मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हमीरपुर में फर्जी दस्तावेजों की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम, फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर सेना में भर्ती का मामला। हरदोई में चलती स्कूटी बनी आग का गोला, अचानक आग लगते ही देखते धू धू कर जली स्कूटी, जलकर हुई पूरी राख। लखीमपुर खीरी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, लखीमपुर जा रही प्राइवेट बस पलटी, बस में सवार 26 यात्री, चार घायल, जिला अस्पताल रेफर किए गए। आगरा में ट्रक के चपेट में आया फोर्स ट्रेवलर सवार, सड़क हादसे में महिला समेत चार की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल। औरैया में शादी में शामिल होने गया था परिवार, सुना घर देख चोरी ने चोरों की घटना को अंजाम दिया, चोरों ने किया जानलेवा हमला। फरुखाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पतेदीन में अगवा कर दो मासूमों की हत्या, पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। फरुखाबाद में सीएमओ के निरीक्षण के दौरान महिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की खुली पोल, सीएमएस ने प्रसूतों के भोजन पर डाला डाका। गाजियाबाद में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अधिवक्ता से मांगी रंगदारी, मामला दर्ज। हादसे में बादल बचे ट्रक ड्राइवर, घायल ड्राइवर को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले अगर हुई जांच तो केजरीवाल का मंत्रिमंडल जेल में होगा। बाइक सवार बदमाशों ने सड़क पर खड़े तीन लोगों पर किया हमला, पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस की गुंडागर्दी से सब्जी बेचने वाले के पैर कटे, कानपुर पुलिस ने पीटा, तराजू पटरियों पर फेंका, उठाते समय ट्रेन की चपेट में आया। एकादशी स्नान को लेकर प्रशासन सख्त, पुलिस अधीक्षक सोरो मार्गशीर्ष मेला की सुरक्षा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। लखनऊ में विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, संयुक्त संघर्ष समिति ने तत्वाधान में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रहा है प्रदर्शन।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोली मैनपुरी में कमल खिलाते हैं, अखिलेश यादव को दिख रही है हार। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने मुठभेड़ 15,000 रुपए इनामिया बदमाश को किया गिरफ्तार। थाना गुंडाबाद क्षेत्र के दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली कहा सुनी पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। संभल में धर्मवती आहत हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, मौत के मामले में हॉस्पिटल सीज। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार पहुंचे तहसील मलिहाबाद, जिलाधिकारी ने आमजनों की सुनी समस्या। संभल में गन्ना सर्वे में गन्ना समिति और चीनी मिल के कर्मचारियों पर लगाया धांधली का आरोप, पदाधिकारियों ने गन्ना समिति सचिव को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम। शहादतगंज क्षेत्र में टावर लगने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश, शासन प्रशासन से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक हुई शिकायत। जिला हॉस्पिटल में फिर दिखा व्यवस्थाओं की एक और तस्वीर, कंधे व गोद के सहारे तीमारदार मरीजों को इमरजेंसी वार्ड पहुंचाने को मजबूर। हमीरपुर में कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर टाली के नीचे दबकर दो लोगों की हुई मौत। ऑपरेटिव बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग के तेल तलने पर लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सपा विधायक इरफान सोलंकी की सफाई से जुड़ा एक वीडियो आया सामने, विधायकों के साथ ही बीजेपी सांसद सत्यजन पचौरी देने के लिए धन्यवाद दिया। नमामि गंगे ऑफिस में जल शक्ति मंत्री का औचक निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले कर्मचारियों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। रामपुर में आजम खां के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, भड़काऊ भाषण के मामले में हुआ केस दर्ज। राजधानी में अवैध वसूली करने वाले दबंग शंकर यादव, गरीब ठेले वाले को पीटा, चारबाग में पुलिस की वसूली करता है काम शंकर यादव। श्रावस्ती में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी करते युवक को ग्रामीणों ने दबोचा, ग्रामीणों ने चोर को कोतवाली पुलिस के हवाले किया। झांसा देकर यूट्यूबर से जालसाज ने ठगे 1.5 करोड़, पीड़ित ने इस ठगी में पुलिस की मदद लेनी चाहिए तो मिलने लगी उसको धमकी। वाराणसी में फिर मिला सड़क किनारे बोरी में शव, बुजुर्ग के सीने में चोट के निशान, हत्या की आशंका। आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग में युवक को गोली मारी, आसपास के लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, दो आरोपी हिरासत में पूछताछ जारी। सीतापुर में सड़क किनारे खून से लथपथ मिला शव, शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस, सिर पर मिले गंभीर चोटों के निशान। चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, बंद रेलवे फाटक से बाइक लेकर निकल रहा था बुजुर्ग, टक्कर लगने से 50 मीटर दूर जा गिरा।
ने इमरजेंसी अलार्म भी बजाया। जौनपुर में ट्रेन से कटकर अधेड़ की मौत, जलियांवाला बाग टाटा जयनगर एक्सप्रेस में हुआ हादसा, जांच में जुटी पुलिस। महोबा में शॉर्ट सर्किट से मकान में लग गया, गृहस्थी के सामान जलकर हुआ राख, लाखों का सामान जलकर खा। सरकारों को बदनाम कर रहे भाजपा युवक को थर्ड डिग्री देने के फोटो शेयर की, सपा बोल अहंकार में डूबे हैं। बुलंदशहर में भारतीय किसान युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, साफ था चेतावनी। मेरठ में मां के साथ पति का पैर बांधकर घसीटा, कपड़े उतार कर डंडों से पीटा, फिर रस्सी में बांधकर मोहल्ले में घुमाया। चित्रकूट में बारातियों से भरी बोलेरो व पुलिस जीप टक्कर, एमपी पुलिस में तैनात सिपाही की मौत, दूसरे पक्ष में 5 लोग घायल। फिरोजाबाद में पीएम किसान सम्मान निधि सत्यापन जारी, 12,000 किसान अपात्र मिले, 5,000 की हो चुकी है मौत। जौनपुर पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर भी फायरिंग, हत्या और अपहरण के मामले में फरार चल रहे थे। जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।